अब देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। KGF ट्रेलर कल 2:30 बजे के आसपास रिलीज हुआ था। 24 घंटे, आई एम नॉट 24 घंटे, माफ कीजिए, 19 घंटे हो चुके हैं इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज हुए। अब तक किस तरह से इसके व्यूज काउंट है वो मैं आपको फटाफट बिना देरी के बताने वाला हूँ। मैं फिलहाल ये चलता हूँ तो मलयालम ट्रेलर पे, जिसपे सबसे कम व्यूज मेरे ख्याल से है मलयालम पे, बाकी सब पे बेहतर है। 4,42,000, मैं 4,42,000 जोड़ लेता हूँ, 639, राइट। और इस पर एक अच्छी खासी बात यह है कि डिसलाइक बहुत ही कम है, लाइक्स 35K, दिस इज़ ए गुड थिंग। 2423 कमेंट्स है, 2423। अब मैं बात करता हूँ फटाफट मलयालम के बाद ट्रेलर जो है तेलुगु में अच्छे खासे व्यूज़ मिले, 20 लाख के ऊपर व्यूज़ मिले, दैट मीन्स 2.7 मिलियन आप पकड़ सकते हो। इसे मैं अगर कन्वर्ट करूँ, जी हाँ बिल्कुल 20 लाख ही है। और लाइक्स डिसलाइक का भी रेशियो बहुत अच्छा है, यानी कि जिन लोगों को भी ज़रा भी डाउट है इस फिल्म को लेकर, तो ज़रूर अपना डाउट क्लियर करके आइए या तो रिसर्च करके आइए, अदरवाइज आपको शॉक लगने वाला है, ठीक है। प्लस 2073334, ठीक है, ये है तेलुगु ट्रेलर का व्यूज़। दिस इज़ ए गुड व्यूज़ आई कैन से। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में इसको अच्छे खासे व्यू पॉइंट मिले, 44 लाख के ऊपर व्यूज़ पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज़ ट्रेंडिंग, मे बी फर्स्ट पे नहीं हो बट स्टिल इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन 24, दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। शायद कल ज़्यादा पे ट्रेंड होता होगा बट आई डिडंट सीन, कल तक मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर बताइए, किसी को पता चलेगा कि कितने पे ट्रेंड हो रहा था कल। और यहाँ पे हिंदी के ट्रेलर की बात करें तो इस पे भी लाइक डिसलाइक का रेशियो बहुत ही ठीक है भैया, यानी कि आप बाकी ट्रेलर्स उठा लीजिए और ये ट्रेलर उठा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइक्स डिसलाइक के बारे में, एंड व्यूज के बारे में, 44 लाइक, एक्चुअली मैं ऐड कर देता हूँ इस पर 44 लाइक, 4497 एंड 793, 4497 793, राइट। अब मैं बात करता हूँ आगे जाकर कन्नड़ ट्रेलर के बारे में, जो होमेबल फिल्म्स जो मेन प्रोडक्शन हाउस इनका, उस पर रिलीज हुआ था। प्लस एंड दिस इज 47 लाख, दिस इज़ गुड, यानी हिंदी ट्रेलर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 4730, क्योंकि ये मेन लैंग्वेज भी है, 178 एंड अब यहाँ पर देख सकते हैं 231K लाइक्स एंड 9.8K डिसलाइक, दिस टेल्स द स्टोरी बड़ी, 21,907, ठीक है। अब लास्ट मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे तमिल ट्रेलर का, जो नॉट 55 लाख, 5,52,000, तमिल में भी थोड़े से कम गए हैं लेकिन लाइक डिसलाइक का रेशियो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे ऐड करता हूँ, 55, यानी 5 लाख के ऊपर है, 5,52,000, 552673 एंड दिस इज द ट्रेलर व्यूज गाइस, यू 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, जी हाँ 1 करोड़, यानी 10 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ प्रॉपर इसका काउंट, 12.29 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए ओनली 19 आवर्स में, यानी कि इसका जो आई थिंक 15 मिलियन व्यूज हो सकता है आराम से, जब तक ये फिल्म 24 घंटे करेगी तो ऑल वर्जन्स में, एंड दिस इज़ ए गुड गाइज, दिस इज़ अ गुड व्यूज़ काउंट आई कैन से। देखा जाए तो बहुत ही कम प्रमोशन हुआ है, उससे आपसे देखे जाए तो पब्लिक ने इस फिल्म को सराहा और पब्लिक ही इस फिल्म को सपोर्ट करी, लाइक डिसलाइक इश्यू से साफ क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स दिस फिल्म इज सेट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉस ऑफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू सरप्राइज इंडियन फैंस फॉर श्योर, बिकॉज इस फिल्म में हर वो चीज़ है जो एक इंडियन फैंस को चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ पता है इसमें क्या है, ऑपरेशन से किस तरह से बंदे लड़ते हैं ना, किस तरह से एक अपने ऊपर भी कोई ना कोई गुलामी करता है लाइफ में, राइट, हमें उस गुलामी से कैसे उठना है, खुद को कैसे है ना ताकतवर बनाना, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में है। तो एग्रेशन इस फिल्म में जो है वो कॉमन मैन से जरूर जुड़ेगा और कॉमन मैन इस फिल्म को जरूर देखेगा। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।